मोबाइल ऐप पर बटन दबाने के चंद मिनट बाद ही कार आपके दरवाजे पर, लेकिन ये किसी रिश्तेदार या दोस्त की गाड़ी नहीं बल्कि टैक्सी है जिसे मुमकिन तौर पर कोई शख्स पार्ट टाइम मुलाजमत के लिए चला रहा है। जी हाँ, ये है ऑनलाइन टैक्सी जिसे दुनिया भर में कारोबार मुतारिफ करवाया है। किराया दूसरी कंपनियों से कम होने की वजह से ये सर्विस देखते ही देखते दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भर में एक जरूरत बनती जा रही है। इस वक्त 70 ममालिक के 550 शहर इस ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े हुए हैं। इस वक्त दुनिया भर में ऑनलाइन टैक्सी के इस्तेमाल में रोज बरोज तेजी से इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस सर्विस पर 10 लाख से ज्यादा लोग रोजाना सफर करते हैं और इसकी आमदन 50 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है। भारत में सर्विस का रेवेन्यू 374 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की 8,500 गाड़ियाँ हैं जिन पर 25 से 30,000 अफराद जो में सफर करते हैं। सिर्फ लाहौर में टैक्सी बुलाने के लिए 1200 कॉल्स रोजाना की जाती हैं। आई डोंट नो कि हर अच्छी चीज बंद क्यों हो जाती है, हमारी इतनी अच्छी सहूलत है, हम लोग आते जाते हैं। सर की तो मैं कहता हूँ कि और स्कीम्स आए ताकि आपके किसी ना किसी तरह तरीके से तो आपके जो है आवाम को सहूलतें मिलती रहे। गवर्नमेंट तो अपने फायदे के लिए ये सारा कुछ कर रही है। अगर गवर्नमेंट को तरफ देखेंगे तो आवाम बहुत सफर करेगी। गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, अगर कोई फैसिलिटेट कर रहा है तो गवर्नमेंट को नहीं इंटरप्ट करना चाहिए। वन क्लिक पे जो है ना, आप जहाँ भी चाहें आपको आपके डोर पे सर्विस मिल जाती है। बर्लिन के अलावा दुनिया के किसी शहर में इस सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं, तो फिर पाकिस्तान में हुकूमत इस आवाम दोस्त सहूलत को क्यों खत्म करने पर तुली हुई है।